जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे हो और थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आज मैं सोच रही थी कि कहीं पे हम लोग दूर जाए तो मैं आप लोग को CST या गेटवे दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब अपने ही शहर में खूबसूरती है तो फिर दूर जाने का तो मतलब बनता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपको मेरा शहर ही दिखाते हैं, क्योंकि मेरे शहर में बहुत सी जगह है घूमने जैसी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे खाने की। तो चलो आपको मैं मेरा शहर ही दिखाऊंगी, बदलापुर। तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको कहाँ जा रही हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बने रहिए। मैं बीच बीच में आपसे मिलती रहूंगी और बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं हम। और मुझे जरूर बताइए कि आज मैं कैसे लग रही हूँ, कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो अमिताभ बच्चन का मूवी है कुली, उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ है। अब सच में हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, जिसको पता है वो कमेंट में बताओ। जो यहाँ पे जो नदी है, हम लोग पहुंच गए हैं। मैं बात कर रही थी मुलगांव, मुलगांव फेमस जगह है फॉर वड़ा पाव। तो मुलगांव के वड़ा पाव, ये है बदलापुर में यानी कि मेरे शहर में, तो यहाँ के वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे 365 दिन, चाहे गर्म का सीज़न हो, ठंडी हो या बारिश हो, गर्दी रहती है। और तो आज मैं बहुत टाइम के बाद मुलगांव के वड़ा पाव खाऊँगी। कॉलेज टाइम में आते थे यहाँ पे तो तब खाते थे। तो चलो चलते हैं। दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, वड़ा उसल। मैंने वड़ा उसल ऑर्डर किया है। इतना टेस्टी लग रहा है और मैं टूट पड़ती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसा है। मैंने तो ये खाया हुआ है, ये यहाँ का मुझे पता है, यहाँ का सुपर टेस्ट है, इधर के जैसा किधर भी नहीं मिलता, यहाँ का वड़ा पाव बेस्ट है। तो ये जो उसल है बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है और वड़ा भी मस्त है एकदम। Thank you.
दिल दोनों खुश हो गया। तो अभी हम लोग निकल गए आगे, तो आगे निकल गए हैं बारहवीं डैम की तरफ। देखते हैं वहाँ पे अलाउड है अंदर जाना या नहीं। ज्यादा अंदर तक तो अलाउड नहीं होगा, बार बार से जितना होगा मैं उतना आपको दिखा दूंगी। और दिल खुश हो गया वड़ा उसल खा के, बहुत मजा आ गया। और ये मुनगांव के वड़ा पाव इतने फेमस है कि ये बहुत से न्यूज में भी आ गए हैं, पेपर में भी आ गया है। तो वैसा टेस्ट है इसलिए इतना फेमस है, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। वड़ा उसल कुछ 50-60 रुपए का था आसपास, और वड़ा पाव था 16-17 रुपए के आसपास। लेकिन वड़ा का साइज़ बहुत बड़ा, और रसा आपको आप सेकेंड टाइम भी ले सकते हो या तीसरी बार लेना तो भी ले सकते हो। तो बेस्ट जगह है बारिश के सीज़न में, वड़ा गरम गरम वड़ा और उसल, वाह मज़ा ही आ गया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं बारहवीं डैम देखने मिलेगा या नहीं, अलाउड है या नहीं, अंदर तक घाट तक अलाउड है, वहां तक मैं आपको दिखाऊंगी जहां तक मैं जो दिखा पाऊंगी उतना दिखा पाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों से बात मेरे कमेंट से ही होती है, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग अप्रिशिएट करते हो। अगर आपको कुछ पसंद भी नहीं आता तो मुझे बताइए, या कुछ सजेशन एडवाइस प्लीज कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए प्लीज, बस कमेंट कीजिए वीडियो में। और यस, आगे आगे बीच बीच में मिलती रहूंगी आपसे। एक्चुअली मैंने खुद ने नहीं देखा है अभी तक, मैंने ही नहीं देखा, मैं कभी अंदर गई ही नहीं। आज सोचा कि चलो सब लोग जाते थे बीच में तो, लेकिन तो दोस्तों गाइस ये जगह देख के मुझे कुछ याद आया, हम लोग यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने आते थे ये जगह पे। वहाँ नीचे जाते थे ऐसे उतर के साइड से। मैं अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, कोमल पटेल व्लॉग्स। और या मैं रील्स भी बनाती हूँ तो उस पर भी थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अंदर तो डैम का जो गेट था वहाँ पे तो अलाउ नहीं किया हम लोग को जाने के लिए वॉचमैन ने, पहले वहाँ पे लोग जाते थे, शायद मे भी इस बार बारिश ज़्यादा है तो फिर इसलिए अलाउ नहीं किया होगा, पता नहीं। लेकिन मैं आपको बाहर से तो दिखा ही सकती हूँ। डैम
के दरवाजे। तो दोस्तों रास्ते में मुझे घाची माता का मंदिर दिख गया, तो सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर।